आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब यूपी सरकार 650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से आलू की खरीद करेगी। सरकार पहले चरण में फरुखाबाद, कौशाम्बी, उन्नाव, मैनपुरी, एटा, कासगंज आलू क्रय केंद्र स्थापित कर आलू की खरीद करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश सबसे ज़्यादा आलू उत्पादक वाला प्रदेश है, वहीं इस बार रिकॉर्ड तोड़ आलू के पैदावार होने से किसान काफ़ी चिंतित दिख रहे हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि अगर आलू इससे भी सस्ता होगा तो जो हमने लागत लगाई है वो भी कहीं निकल ना पाए। और दूसरी तरफ बात करें तो यहाँ पे जो स्टोरेज है वो भी इस बार बहुत कम है। जहाँ एक तरफ योगी सरकार किसानों को सौगात दे रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस पर हमलावर नजर आ रहा है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ट्वीट करके कहा है कि अब की बार आलू बदलेगा सरकार। भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश के आलू उत्पादकों किसानों की समस्याएं क्या है, आइए जानते हैं। आलू की लागत का लगातार बढ़ते जाना, कम दाम मिलने से लागत निकालना भी मुश्किल होते जा रहा है, भंडार के लिए टोकन ना मिलना, कोल्ड स्टोरेज के बाहर रातें बिताना, एमएसपी की मांग का भाजपा सरकार द्वारा लगातार ठुकराना, अब की बार आलू बदलेगा सरकार। सरकार का 650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से आलू खरीदने का फरमान, 250 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बीज खरीदने वाले किसानों के लिए यह समर्थन मूल्य मजाक है। सरकार को न्यूनतम 1500 रुपए प्रति पैकेट की दर से आलू की खरीद करनी चाहिए। किसान से लेकर के सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, गरीब से लेकर के सब लोग बैठे हैं। कितनी अब बिजली की कितनी परेशानियाँ, बिजली की कितनी परेशानियाँ, बिजली के साथ साथ आज आलू की कितनी समस्या, कैसे मैं किसान ने पैदा किया। गोल्ड वाले क्या बेचारे करें, गोल्ड को भी कुछ बिजली की वजह से कुछ बचा ही नहीं है। इतना आलू आलू के साथ पहले धान में लुट गया किसान, फिर से पहले गेहूं में लुट गया, जो भी फसल पैदा की लुट गया। फिलहाल चाचा भतीजे की जोड़ी सरकार को घेरने के लिए बनती दिखाई दे रही है, दोनों सुर में सुर मिलाते नजर भी आ रहे हैं। वही हमने लखनऊ के व्यापारियों से भी बात करने की कोशिश की, तो आइए जानते हैं यहाँ के जो किसान हैं किसान मंडी में कि उनका इस पर लेकर आलू की जो कीमत घटती जा रही है, आखिर उनको इस पे क्या कहना है। सर, अगर आलू की जो कीमत है वो इस घटती जा रही है, इस बार रिकॉर्ड तोड़ आलू पैदावार हुआ है। रिकॉर्ड तोड़ आलू पैदा नहीं हुआ है, इस बार ज़्यादा लोगों ने आलू बोया है। अच्छा जी, और इस बार चिपसोना आलू कम बोया गया, हाइब्रिड आलू ज़्यादा बोया गया है, जिसके वजह से आलू हाइब्रिड आलू न खाने में टेस्ट होता है और सड़ता भी जल्दी है। अगर किसान का माल खेत पे 8 रुपए किलो बिके तब किसान का पैसा आएगा। तो सर, इस बार जो 150-160 लाख जहाँ पे टन लाख टन पैदा होता था, इस बार 2.5 लाख टन पैदावार हुआ है, तो क्या कहना है इसको। कहना क्या कि मतलब पिछली बार जैसे 200 लोग आलू बोए थे, अब कल 400 लोग आलू बोए पड़े हैं। अच्छा, किसान क्या लागत नहीं निकल रही है। और एक कारण और भी है आलू बोने का, मटर बोए तो हरहा बचावे, गेहूं बोए तो जानवर बचावे, आलू बोने से जानवर नहीं बचाना पड़ता है। अच्छा जी, तो किसानों की मतलब सोचे कि आगे और इससे ज़्यादा और बढ़ाया जाए पैदावार इसका। पैदावार बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है जी। ये आलू जो हाइब्रिड ज़्यादा लोगों ने बोया है, सबसे बड़ी दिक्कत इससे है। अच्छा, तो सर अगर ये आपका इतना जो पैदावार हो रहा है तो इस बार जो स्टोरेज है वो भी कम है। स्टोर तो कम नहीं है, स्टोर जितने थे उतने ही है, एक दो और बढ़ गए हैं। अच्छा,
अच्छा। स्टोर एकदम फुल हो चुके हैं, आलू अभी 40% खोदने को बाकी पड़ा हुआ है। तो इसको लेकर आप क्या आगे रणनीति कुछ बनाना चाहेंगे? कुछ आलू फेंका जाएगा, किसान मरेगा। अच्छा किसान, तो सरकार इस पे कुछ आगे नहीं बना रही है प्लानिंग, कुछ रणनीति नहीं बना रही है। उनका कहना है कि इस बार जो 650 रुपए क्विंटल दर से बेचा जाएगा आलू, और उन्होंने अलग रणनीति भी इस पे बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या कहना है आपको? तो जो सरकार ने 650 रुपए क्विंटल आलू लेगी तो वो आलू नहीं ले पाएगी। अच्छा। क्योंकि अगर हमारे खेत में 500 क्विंटल आलू पैदा होगा तो उसमें से 200 क्विंटल ले लेगी। अच्छा, बाकी तो हमारा फेंका ही जाएगा 300 क्विंटल। या फिर ये गेहूँ तो है नहीं, ना चावल है जो एक तरफ से मतलब तौल जाएगा। इसमें हरा भी निकलता है, कटा भी निकलता है, सब कुछ निकलता है। किसान सरकार जब लेगी माल तो अच्छा ही तो लेगी, तो 400 क्विंटल में 200 क्विंटल ले भी लेगी तभी तो हम लॉस हो रहे हैं। तो इस मामले के लेकर क्या कुछ कहना है, मतलब क्या सोच रहे हैं आपकी, क्या किस हद तक ये जा सकता है? सब्जी का कारोबार है, इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी। अच्छा। जी ये गेहूँ चावल होता तो कहीं गोदाम में लगा देगी वो, ये आलू है, स्टोर फुल हो चुके हैं। अब इतनी जल्दी कोई स्टोर खड़ा भी नहीं कर पाएगा जो उसमें भर दिया जाए। लेकिन सरकार इस पे पूरी गहरी तरह से सोच रही है, इसकी स्टोरेज बढ़ाने के लिए। ये सरकार का काम है, ये हमारा काम नहीं है। अब सरकार अपने हिसाब से क्या करती है ये उसका काम है। अच्छा। जो हमारे हाल यहाँ पे हैं हम वो बता सकते हैं। क्या लगता है आपको, विपक्ष का कहना है कि राजनीतिक मुद्दा भी बनते जा रहा है, विपक्ष का कहना है कि बालू की जो कम करने जा रहे हैं कहीं ना कहीं इसके चुनाव पे प्रभाव पड़ सकता है, ऐसा हो सकता है क्या? हो भी सकता है। अच्छा। जी हो भी सकता है। 1300 रुपए की डाया हमने खरीदी है, गांव पर डंडा भी खाया है, लाइन लगाई है, रात रात 4 बजे रात में कॉपरेटिव में लाइन लगाई है, तब भी खाद नहीं मिली है, ब्लैक से माल लिया है। कितना इस बार आपका पैदावार हुआ है? इस बार जैसे जितना आलू हम बोते थे वत्ता ही बोया है, वत्ता ही पैदा हुआ है जी। मगर पिछली बार 1100-1200 रुपये क्विंटल आलू इस समय बेच रहे थे, और इस समय बिक रहा है 4 रुपये किलो, 3 रुपये किलो, 5 रुपये किलो। तो आपको लागत निकल रहा है? लागत कहाँ निकल रही है, अब जो आलू खुद रहा है आधा तो आलू चला जा रहा है लेबर में। दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, जो पर साल 150 रुपये में आलू खोदते थे इस बार 200 रुपये ले रहे हैं। पर साल जो दो लेबर दो समोसा 10 रुपये के देते थे, अब कुल 14 रुपये के दे रहा हूँ। तो हर चीज़ ऊपर जा रही है और आलू नीचे आ रहा है, यहाँ तक कि मैडम मार खाने की नौबत आ गई है। औरत कहती है कि वहाँ मंडी गिरो कमावे गे रहो, और कि नथुनी बुलाका तक बैठ डरे हैं। तो क्या सरकार से क्या अपील करना चाह रहे हैं? सरकार से हम सब्जी के मामले में कुछ नहीं कोई कह सकता है जी, ये अगर गेहूँ होता तो कोई गोदाम में भरवा लेते, चावल होता गोदाम में भरवा लेते, ये आलू 10 दिन चाहे जहाँ लगा दो बेकार हो जाएगा। ये देखिए उधर देखिए, सब आलू सड़ रहा है, और ये इतना मद्दा है। ये महंगा होता तो समोसा वाले और होटल वाले ले जाते हैं, उनका जब 4-5 रुपये किलो अच्छा आलू मिला तो ये क्यों लेंगे वो? तो कहीं ना कहीं आप ये सब देखते हैं कि नुकसान हो रहा है आपको आलू के वजह से? ये नुकसान हो रहा है और नुकसान होगा, इसका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जो किसान है जो यहाँ पे अपने आलू का पैदावार कह रहे हैं कि पिछले साल भी जितना बोया था इस साल भी उतना ही हुआ, लेकिन इस बार हमें बहुत ज़्यादा घाटी हो रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है और आलू का दाम घटता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इनके जो आर्थिक स्थिति है उस पर भी दबाव पड़ेगा, और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस पर दबाव पड़ सकता है, और अलग अलग किसानों की अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया है। आइए जानते हैं, और भी कुछ किसान हैं उनसे बात करेंगे। सर ये जो आलू का जो दाम गिरता जा रहा है, पहले 150-160 क्विंटल हुआ करता था लाख पैदावार, इस बार 2.5 लाख क्विंटल पैदावार हुआ है, तो इससे जो किसान है वो काफ़ी चिंतित नजर आ रही है क्योंकि जो लागत इस पर नहीं निकल पाएगी, क्या कारण हो सकता है इसका? अब इसका जो है आलू की पैदावार जो है वातावरण के अनुकूल जो है अच्छी रही, इसलिए पैदावार ज़्यादा हो गई। तो पैदावार ज़्यादा होगी तो किसान के पास प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया तो उसकी मददाई आ जाती है। तो सर यहाँ उत्तर प्रदेश में जो है कोल्ड स्टोरेज भी काफ़ी कम है लेकिन इस बार पैदावार ज़्यादा है, तो क्या किसान इसके लिए कुछ अपना जो रणनीति या अलग कोई नीति बना रही है इसको रखने के लिए, या कुछ अपना उपाय ढूंढ रही है कुछ ऐसी? भाई सरकार को भी चाहिए कि इसके लिए किसानों के लिए वो अपना सरकारी कोल्ड स्टोरेज वगैरह उपलब्ध कराएं, जबकि ज़्यादातर तो प्राइवेट कोल्ड स्टोरेज ही हैं और वो सीमित मात्रा में हैं। तो उस हिसाब से अगर पैदावार ज़्यादा हो गई तो मजबूरी है किसान को, तो फिर वो कहीं ना कहीं उसको ले ही जाएगा। सरकार ने घोषित किया है कि 650 रुपए क्विंटल के दर से आलू बिका जाएगा, तो क्या जो सरकार है सिर्फ आम जनता के बारे में सोच रही है, किसान के बारे में नहीं सोच रही है?
किसान के बारे में सोच रही, लेकिन 650 वो मांग कर रही है, लेकिन समर्थन मूल्य मान लीजिए वो रखती है 650 में, तो किसान 650 में गवर्नमेंट खरीदे ना, कहाँ ले पा रही, गवर्नमेंट ले नहीं रही, तो किसान कहाँ ले जाएगा, कोल्ड स्टोरेज ले नहीं रहे, सब भर गए हैं, तो उसकी पैदावार ज़्यादा होगी तो कहीं ना कहीं तो मंडी में ले जाएगा, कहीं ना कहीं किसी लोगों के पास ले जाएगा, तभी तो उसका जो है अपना कुछ ना कुछ पैसा उसका खाली होगा। सर, विपक्षों का कहना है कि सरकार इस बार अपने आलू के दाम गिराने के लिए के और जनता से वोट लेना चाहती है, ये राजनीतिक मुद्दा भी बनता जा रहा है, क्या आपको ऐसा लग रहा है? अब आलू के प्रोडक्शन पे जो है विपक्ष जो है, भाई आलू की पैदावार प्राकृतिक रूप से अगर अच्छी हो गई तो विपक्ष इसमें अपना मुद्दा क्यों बना रहा है, ये तो गलत बात है, उनको नहीं बनाना चाहिए। अब जनता को आलू और सस्ती हो गई तो जनता तो एकदम पा रही है ना सस्ती आलू, भले किसान को थोड़ा तकलीफ है लेकिन उसकी भी पैदावार ज़्यादा हुई है। सरकार किसान के बारे में नहीं सोच रही है? बिल्कुल सोच रही, किसान के बारे में क्यों नहीं सोच रही है, प्रयास कर रही है। अब उसके लिए वो कोई रणनीति नहीं बनाएगी तो भविष्य में जो है किसान जो है और खुशहाल होगा। जी, क्या आलू के जो दाम घटते जा रहे हैं, किसानों की समस्या जो है बढ़ती जा रही है, क्योंकि लागत इस पर नहीं निकल पाएगी, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो क्या कुछ कहना है इसको लेकर? इसमें पैदावार अधिक है, स्टोर क्षमता वही है, स्टोर क्षमता हर साल बढ़ती है वैसे, लेकिन स्टोर सब फूल जाएंगे उसके बाद आलू बचेगा, क्योंकि पैदावार अधिक है आपकी। तो क्यों सर पैदावार अधिक हुई है, कुछ कारण हो सकता है क्योंकि आप लोग ये जान सकते हैं? जिस खेत में 50 पैकेट आलू निकलता था वहाँ 80 पैकेट निकल रहे हैं। तो क्या कारण हो सकता है सर इसका? नहीं, अच्छी मौसम हवामान अच्छा था इसलिए अच्छी पैदावार हुई। तो क्या सरकार इसके लिए कुछ अलग रणनीति बनाएगी, क्योंकि पैदावार इस पर ज़्यादा है, स्टोरेज कम है, तो किसान आप जो सरकार है वो किसान के बारे में जरूर सोच सकती है? हाँ, उसको कहीं एक्सपोर्ट करने के कुछ करें, कि कहीं बाहर वार भिजवाने का कुछ इंतजाम करना चाहिए। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ के जो किसान हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पर पैदावार काफ़ी ज़्यादा हो गया है, क्योंकि मौसम सही था, कहीं ना कहीं प्राकृतिक जो आपदा थी वो इस बार नहीं आई, कोई बीमारी नहीं, इसके वजह से जो पैदावार है काफ़ी ज़्यादा हो गया है, और कहीं ना कहीं सरकार भी इसके लिए सोच रही है, और जो कोल्ड स्टोरेज है उसके लिए भी कहीं ना कहीं इस पर बढ़ाने की कोशिश करेगी, क्योंकि अगर नहीं बढ़ाती है तो किसान इस बार बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। देखते हैं कि आगे जो सरकार है इस आलू के दाम बढ़ने और घटाने पे आगे क्या रणनीति बनाती है, क्या कदम उठाएगी। कैमरामैन विजय के साथ सुहानी सिंह, प्राइम टीवी, लखनऊ।